ชนิดาปอยจีชดาคิดหอหวังมีน้ำแดงแล้วจะกินน้ำส้วงมีน้ำส้วงแล้วจะกินน้ำแดงแล้วก็มีแรงแต่กินน้ำม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงกว้างหัวแดงแล้วก็ทำลื้อลูกเอาไปกินแกงเดี๋ยวเธอถ้ามาเดี๋ยวเธอถ้าแข่งกันไม่กังวะไอ้ส้มพังแดงจนส้มพังส้วงมีน้ำส้วงแล้วจะกินน้ำแดงโอ้ยยังไงसफलता का वाहन है चमत्कार है चमत्कार बोले बाबा। तो और लौंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे, और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स, कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने के बाद तुम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो बस तुम लोगों को करना है कि तुम लोग इस वीडियो को ना पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो, ये बढ़िया था गुरु। और हाँ, अगर तुम लोग इस चैनल पे नए आ रहे हो और मेरी आवाज तुम लोग पहली बार सुन रहे हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स देखने के लिए। ओके, तो उम्मीद है तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। तो अभी अपने सबसे पहले नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना है, फिर तुम लोग अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को ना इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लगा देना है, और जैसे तुम्हारी गाड़ी लग जाएगी उसके बाद तुम लोग इंटर और गेट आउट करना। उसके बाद देखिए तो तुम वॉल के अंदर आ चुके हो। बोले बाबा। और ना जैसे ही तुम लोग इस वाले वॉल के अंदर जाओगे, यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत सारे किल भी कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पे ना तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा। और इस वाले बग का इस्तेमाल करने के बाद तुम लोग बहुत सारे किल भी कर पाओगे और बहुत ही आराम से ना अपना रैंक पुश भी कर पाओगे, साथ ही साथ अपने स्क्वाड का भी रैंक पुश करा पाओगे तुम लोग इस वाली जगह से। और ना अगर तुम लोग अपने फ्रेंड के सामने पहली बार इस वाले ट्रिक को करोगे ना, तो मतलब पूरा पगला ही जाएंगे ना कि तुम लोग वॉल के अंदर कैसे आ चुके हो। तो तुम लोग देख ही सकते हो अपनी पहली वाली ट्रिक ना कुछ अचानक भयानक भयंकर है, तो इस वाली ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। ओके, तो भी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग बीमा सकते कि इस वाले एलसेप पे आ जाना, फिर तुम लोग इस वाले टेबल पे ना फुदक के कुछ ऐसे चढ़ जाना है, और तुम लोग को धीमरेती करेक्टर को ना यहाँ पे चालू कर देना है, फिर तुम लोग ऊपर जाकर डाउन हो जाना है, मतलब तुम्हारा टीममेट भी अगर डाउन होता है तो तुम लोग को नीचे धीमरेती करेक्टर लगा देना है, और फिर तुम लोग देख ही सकते हो तुम लोग ऊपर से भी अपने करेक्टर को ना रिवाइव कर सकते हो। और ये वाला ट्रिक ना तुम लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, अगर तुम लोग इस वाले एलसेप पे किसी भी एलसेप पे फाइट लेते हो और तुम्हारा कोई बंदा ऊपर डाउन हो जाता है ना, तो तुम लोग नीचे धीमरेती करेक्टर चालू कर सकते हो, या ऊपर तुम डाउन हो चुके हो ना तो तुमने टीममेट को बोल सकते हो नीचे से धीमरेती करेक्टर चालू करते हैं और तुम लोग बहुत ध्यान से ऊपर रिवाइव हो जाओगे। और अगर ना तुम लोग रैंक पुश करते हो तो ये वाली ट्रिक ना तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, और बहुत ध्यान से इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम लोग हीरो को ग्रैंड मास्टर भी कर पाओगे। अच्छा, अभी अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को लेना है, उसके बाद तुम लोग इस वाले डस्टबिन जो दिख रहा है ना यहाँ पे अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को कुछ ऐसे लगा देना है, और फिर तुम लोग को गाड़ी से उतरना है और फिर तुम लोग को चेक करना है प्रॉपर लगी है या नहीं गाड़ी, उसके बाद तुम लोग इंटर और गेट आउट करना, उसके बाद देखी सकते तुम लोग पूरा डस्टबिन के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग पूरा डस्टबिन के अंदर आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर पाओगे और बहुत सारे किल भी कर पाओगे, और इस वाली जगह पे ना तुम लोग कोई देख भी नहीं पाएगा। और अगर तुम लोग ना सोलो खेल के अपना रैंक पुश करना चाहते हो तो ये वाली ट्रिक ना तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, और यहाँ पे बैठ के ना जो भी बंदे यहाँ पे आएंगे उन्हें तुम लोग बहुत ही आराम से मार सकते हो, बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, और अगर लास्ट में जो यहाँ पे बनता है ना तो तुम लोग बहुत ही आराम से गेम को बुझा भी कर सकते हो। और ना अगर किसी एनिमी को तुम लोग इस वाली जगह से मारोगे तो तुम्हें देख भी नहीं पाएगा ना कि तुम लोग उसे कहाँ से मारे, क्योंकि तुम लोग को गोली मार के बैठ जाना है यहाँ पे, उसके बाद तुम लोग पूरा डस्टबिन के अंदर चले जाओगे। और इस वाली ट्रिक के इस्तेमाल करके तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके ना हीरो को ग्रैंड मास्टर बहुत ही आराम से बहुत ही जल्दी कर पाओगे। वाओ। तो अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए ना सबसे पहले तुम लोग किसी भी लॉन्च पैड के पास आ जाना अपने नेक्स्ट्रा मैप में, फिर तुम लोग को जो अपना जॉयस्टिक का बटन होता है ना उसे साइड में घसीट के कुछ ऐसे लॉन्च पैड पे चढ़ जाना है। और इस वाली ट्रिक को करते टाइम ना तुम लोग अपने वेपन स्विच को ऑन कर लेना है, और फिर तुम लोग को करना है कि जिधर तुम लोगों ने अपना जॉयस्टिक का बटन घसीटा था ना तुम लोग सबसे पहले यहाँ से लॉन्च हो जाना, उसी के साथ तुम लोग को घसीट के ना अपने जॉयस्टिक को फिर से तुम लोग को वेपन स्विच कर देना है, फिर देख ही सकते हो तुम्हारा जो लॉन्च पैड आगे जाने वाला था ना पूरा पीछे आ रहा है, मतलब तुम लोग देख ही सकते हो क्या ही ट्रिक है वाली, जो हमारा लॉन्च पैड सामने ही साइड जा रहा है ना, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं इस वाले ट्रिक को करने के बाद, और ये वाला ट्रिक के इस्तेमाल से ना तुम्हारा लॉन्च पैड बहुत दूर तक जाने वाला है। और ना अगर तुम लोग इस वाली ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने करते हो तो पूरा पगला ही जाने वाला है, तो इस वाले ट्रिक के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो अभी अपने पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए ना सबसे पहले तुम लोग एक लैम्बोर्गिनी को ले लेना है, फिर तुम लोग इस वाले ब्रिज के पास ना आ जाना है, फिर तुम लोग अपने लैम्बोर्गिनी को ना इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लगा देना है, और ना जैसे ही तुम लोग की लैम्बोर्गिनी प्रॉपर लग जाएगी फिर तुम लोग को गाड़ी से उतरना है और इंटर और गेट आउट करना, उसके बाद देखिए तो तुम लोग पूरा रोड के बीच में आ चुके हो और यहाँ पे तुम लोग का सिर्फ सीढ़ी दिखाई दे रहा है।
बाबा। और इस वाले ट्रिक को देखने के बाद ना मतलब कोई भी पगला जाने वाला है, अगर कोई बंदा ना तुम लोग को दूर से भी देखेगा तो समझेगा लूट बॉक्स है, वो बंदा गेस नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे बंदा भी हो सकता है, उसका सिरी बस दिख रहा है यहाँ पे। और अगर तुम लोग अपना रैंक पुश कर जाना चाहते हो ना बहुत ही आराम से, बहुत सारे किल भी करना चाहते हो तो बहुत ही आराम से ना तुम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ आके जो भी बंदे ब्रिज से आएंगे ना उन्हें तुम लोग बहुत ही आराम से मार सकते हो और अपना रैंक पुश भी कर सकते हो। और ना अगर तुम लोग का टीममेट इस वाले ट्रिक को करते हुए देखेंगे ना मतलब पूरा पगला ही जाएंगे कि कैसे तुम्हारा सिर ना ब्रिज के ऊपर दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। ओके और हाँ, अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स कैसे मिस कर सकते हो तुम लोग। ठीक है समरिया, तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।